अरे महाराज बबूर का खेती करबा तो कबो न कबो तो कांटा गड़बे न करी। कल तक ये लोग जो दूसरे के घर की बहू बेटियों का तली उतार रहे थे तो इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। सबसे पहले इन जाहिलों को अपना छिछोरापन बंद करना होगा। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान झा और आप देख रहे हैं DTV भारत। कुछ दिनों से एक मुहिम लगातार जारी है। ये मुहिम है अश्लीलता के खिलाफ। ये मुहिम है कि आखिर कब तक हमें अश्लीलता को बर्दाश्त करना होगा, आखिर कब तक यूं ही माँ बेटी की इज्जत को ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले लोग तार तार करते रहेंगे। जैसा कि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री के और जो बाहर से वो भी जुड़ रहे हैं, इसी बीच एक नाम आया है नेहा सिंह राठौर का। जी हाँ, ये नेहा सिंह वही राठौर है जो कुछ दिन पहले इनका गाना बिहार में काबा बहुत चर्चित हुआ है। उनका कहना है कि लोग आजकल वल्गर गाने का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट में छाना होता है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें थोड़ा नाम कमाना होता है। लोग दूसरे की इज्जत को तार तार कर देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं जो बिहार से हैं कि हमें भोजपुरी गाने हर जगह सुनने को मिलते हैं, वो चाहे शादी ब्याह हो, वो चाहे पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या कोई भी पूजा हो, हर जगह बिहार के गाने हमें सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन गाने अश्लीलता से भरे होते हैं, वो गाने जिन पे लड़कियों के नाम को लेकर मजाक उड़ाए जाते हैं, उनके बारे में गलत कहा जाता है। अगर हम रोड से गुजरते हैं तो हमें मजबूरन अपने कान को बंद करना होता है। तो क्या मतलब बनता है ऐसे गानों का, जिस गाने में आप लोगों की इज्जत ना करें? कल तक ये मुहिम सिर्फ हमारी थी, लेकिन आज ये मुहिम हम सबकी है। हम सब भोजपुरी के इस अश्लीलता से जूझ रहे हैं और परेशान हैं कि आखिर कब तक हम इसे बर्दाश्त करेंगे, आखिर कब तक हमें यह अश्लीलता बर्दाश्त करनी होगी। नेहा सिंह राठौर ने अपने इस वीडियो में एक बात बहुत ही कमाल का कहा है कि ये कर्मा है भाई साहब, आप जो बोएंगे आप वही पाएंगे। अगर आप दूसरों की बहन की इज्जत उछालते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके घर में भी माँ बहन हैं? अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये क्यों भूल जाते हैं कि कल के डेट में आपके ऊपर भी इज्जत उछाली जाएगी? तो आइए देखते हैं कि नेहा राठौर ने क्या कहा है अपने वीडियो में। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एकदम यही हाल है आजकल भोजपुरी गीत संगीत महकमे का। कल तक ये लोग जो दूसरे के घर की बहू बेटियों का उतार रहे थे तो इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। आज जब बारी खुद पे आई है तो मुंह से लावा निकाल रहे हैं, खिसिया रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। अरे महाराज बब्बूर का खेती करबा तो कबो न कबो तो कांटा गड़बे न करी। और आज जब ये कांटा गड़ रहा है, ये कांटा चुभ रहा है, तो इन्हें दुख हो रहा है, इन्हें दर्द हो रहा है। भोजपुरी जैसी मीठी भाषा को परम अश्लील भाषा का दर्जा दिला दिए आप लोग, अब कहे खिसिया रहे हैं। एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा कि भोजपुरी भाषा और इलाका वहाँ के सिर्फ मर्दों की भाषा नहीं है बल्कि औरतों का भी है। लेकिन आप लोगों ने इतना गंध मचाया कि राह चलना मुश्किल हो गया है अब तो औरतों का। पैदल चलो तो पान की दुकान पे, ऑटो में बैठो, टेम्पो में बैठो तो अलग संगीत में धमकी दी जा रही है उतारने की। तो ये आप ही लोगों का फैलाया हुआ कीचड़ है, और जब खुद पे पड़ रहा है तो इन्हें लग रहा है अरे यहाँ गंदा हो गया वहाँ गंदा हो गया। एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा। और ये मैं बात केवल एक व्यक्ति की नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं सबकी कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर गायक और गीतकार ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि अगर भोजपुरी में आपको हिट होना है तो आपको अश्लील लिखना ही पड़ेगा, अश्लील गाना ही पड़ेगा, अन्यथा मार्केट में आप फ्लॉप कर जाएंगे। तो सुधर जाइए, बाज आइए इन हरकतों से, भोजपुरी की अस्मिता से खिलवाड़ मत करिए। आपको ये समझना होगा कि आपका ये फूहड़पन भोजपुरी को कभी भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित नहीं होने देगा। अगर हम वाकई में चाहते हैं भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में 23वीं भाषा के रूप में देखना, तो सबसे पहले इन जाहिलों को अपना छिछोरापन बंद करना होगा। गंदे गीत नहीं लिखने होंगे, गंदे गीत नहीं गाने होंगे, क्योंकि अगर भोजपुरी बोलने वाले ही भोजपुरी की इज्जत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और आपको कोई हक नहीं है कि अपने हित के लिए आप हमारे हक मारें। हमें पूरा हक है कि हम एक साफ सुथरे समाज में रहें। संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे इस अधिकार का रक्षक है, ठीक ना? तो आप लोग इस चीज को समझिए, गंदे गीत लिखने से और गंदे गीत गाने से बचिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
लेकिन भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के विरुद्ध हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। अब समय आ गया है इस अश्लीलता को रोकने का, अब समय आ गया है इस मुहिम से यूं ही लड़ने का। तमाम बिहार झारखंड के बड़ी खबरों के लिए बने रहे डीटीवी भारत के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें फेसबुक और ट्विटर के पेज पर। धन्यवाद।